तेरे इस झूठ की सजा सिर्फ हम क्यों भुगते हैं? तू भुगते कर जगह, तू भुगते कर। तू अभी चल मेरे साथ, तू भी नीचे चलकर कान पकड़कर सबके सामने सच बताएगा, तू माफी मांगेगा सबसे। चल चल। नहीं बाबूसा, सबके सामने नहीं, मेरे दोस्त को, मैं बाबू भी है, वो मेरे दोस्तों को बता देंगे, सारे दोस्त हंसेंगे मुझे। बाबूसा मैं इसकी बेइज्जती हूं ना, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए ना इसे बाप। नहीं आनंदी, माफी तो इसे ही मांगनी पड़ेगी। चल तू मेरे साथ। बाबूसा नहीं, बाबूसा, बाबूसा। मैं अवल आया हूँ, मेरे दोस्त हरिया ने मेरे लिए जाली रिपोर्ट कार्ड बनाई थी। मुझे माफ कर दीजिए। क्या ये सुमित्र, कैसे हो गया ये सब? कितना खुश था मैं, जगिया के पिता होने पर घमंड सा हो रहा था मुझे, ये भी भूल गया कि मैंने खुद देखा कितनी पढ़ाई की है जगिया ने, फिर वो अव्वल कैसे आ सकता? मैं तो उसे पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना चाहता हूं, और वो हर दिन एक एक सीढ़ी नीचे गिरता जा रहा। मैंने कुछ ज्यादा उम्मीद की है जगह से सुमित्र, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे, तो क्या गलती हो गई मुझसे? तुम बता ना सुमित्रा, कहाँ चूक हो गई मुझसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुमित्रा, कहाँ भूल हो गई मुझसे? शर्म आ रही है मुझे सोच करके मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। तेरे इस झूठ की सजा सिर्फ हम क्यों भुगते हैं? तू भुगते का जगह, तू भुगते का। तू अभी चल मेरे साथ, अभी नीचे चलकर कान पकड़कर सबके सामने सच बताएगा, तू माफी मांगेगा सबसे। चल चल। जगिया
क्या है? चेकिया, ऐसे दरवाजा बंद करके क्यों बैठा था तू? चल चेकिया, चल के बाबूसा से माफी मांग ले। मैं भी उनको बोलूंगी तुझे माफ करने के लिए। चल माफी मांग ले तू, वो तुझे माफ कर देंगे। मुझे किसी से बात नहीं करनी, और तू भी जा यहाँ से। ऐसा ना कर चेकिया, चल के माफी मांग ले। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, घर में सब लोग दुखी हैं। बुरा जा यहाँ से। दिया ना, सौगन खाई थी ना तूने, ना बताएगा किसी को, जाली रिपोर्ट कार्ड के बारे में सबके सामने जाकर मुंह खोल दिया। देख देख कितना मारे मेरे घर वालों ने मेरे को, देख कितना मारे मेरे को। मार तो मुझे बहुत पड़ी है हरिया, इसलिए बताना पड़ा सबको। अगर ना बताता तो पता नहीं बापूसा क्या करता मेरे साथ। सबको पता चल चुका है हमारे बारे में, सारे दोस्त हंसेंगे मुझ पर। मैं तो स्कूल ही ना जाऊंगा, घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा मैं। क्या करेंगे हरिया? देख भैरो, थारा गुस्सा थारी पीर समझू मैं, नाराज तो मैं भी हूं उससे। छोरा कर से भूखा है, जाके बुला ले उसे। भूख लगेगी तो वो खुद आ जाएगा मासा। देख भैरो, है तो वो अपनी औलाद, उससे मुंह ना मोड़ सके हम। उसका पाप पुण्य सब कुछ अपने ही आंचल के नीचे लेना है हमें। आनंदी, जग्या को बुला ला जरा। सुन, कल जो हुआ बहुत है, अब आज तू भी शांति से नाश्ता कर ले और उसे भी कर लेने दे। मासा मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। वैसे भी उसका चेहरा देखूंगा तो मेरा खून खौल जाएगा, और अगर हाथ उठ गया तो मैं सुबह सुबह इस घर की शांति भंग नहीं करना चाहता। अपने कमरे में ना और उस गली का ये पर्चा मिला वहां से। क्या लिखा है? बापूसा, मैंने आज तक आपको बहुत बार शर्मिंदा किया है, जाली रिपोर्ट कार्ड बनाकर बहुत बड़ी गलती की मैंने। जानता हूं आप मुझे माफ नहीं करेंगे, मैं सारे घर वालों से माफी मांगता हूं क्योंकि सबको दुख दिया है, पर अब मेरे दोस्तों को सच पता चल जाएगा, सब लोग हंसेंगे मुझ पर,
इसलिए मैं जा रहा हूँ बहुत दूर। तेज घर छोड़ के चला गया। उस मासूम बच्चे के दिल पे बहुत सख्ती की हमने भैरों, हमारी आशा पूरी ना कर पाया तो अपनी इज्जत बचाने के लिए सारे गांव के सामने उसकी इज्जत उतार दी, उसी का जो नतीजा है। हमारा पोता बेईमान ना था, हमने उसे बेईमान बना दिया। थारी जिद ने डाकदर बन कलेक्टर बन, हमारी जिद ने क्या बड़ा बड़ा हमारे कारण हो घर छोड़ के भाग गए। रे भैरो ये क्या कर डाला हमने, ये किस दौड़ में दौड़ रहे थे हम, ये क्या कर डाला। कहाँ है मेरा जग्या? अपने आप को कैसे संभालूं? पिता किससे तो बेटे के बचपन से मैं पिसती रहती। मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, क्या ना मैं कैसे संभालूं? सुमित्रा ये समय धैर्य खोने का नहीं है। देख तू चिंता मत कर, हम उसे खोज कर ले आएंगे। बच्चा है कहाँ जाएगा, हम उसे समझा बुझा के घर ले आएंगे। तू चिंता मत कर बसंत, तू ढूंढ के ले आ छोरे को, जैसे भी हो जहां से भी हो तो ढूंढ के ले आ। को एक बेटा है भैरों का, उसे पाने के लिए जाने कितने देवी देवताओं के आगे नाक रगड़ी मैंने। भैरों, बच्चे के साथ सख्ती करके तूने अच्छा नहीं किया। अरे सबके सामने उसकी ऐसे बेइज्जती करना, उस पे हाथ उठाना, जरा सोच क्या गुजरी होगी उसके दिल पर। सब मैं तुम चुप हो जा भैरों, अब तो चुप हो जा। इस बात में कोई सफाई ना दे सके हम, भूल हुई है हमसे, हमने ही छोरे को मजबूर कर दिया। जाने था 50 बातें सुनने को मिलेंगी घर पे, तो झूठी रपट बना के ले आयो। हम जिम्मेवार हैं, हमारे कारण घर से भाग आए वो। सुमित्रा अपने आंसू पोंछ ले, मैं अपने पोते को ऐसे ना खोने वाली। बसंत कुछ आदमी लेके जा फौरन मंडी में पता कर, बसंत पे जा, शाम को फोन लगा, उससे बोल आसपास के गांव में पता करे जगदीश का, और तू जगदीश के दोस्तों से बातचीत करके खब खोज खबर ले। मैं भी स्टेशन जाके देखूं छोरा वहां तो ना पहुंच गयो। माकर सिंह गाड़ी निकाल। अगर बहुत दूर गया होगा तो हरिया, पर हम मुंबई में जाएंगे कहाँ? मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है ना, हम तो किसको जानते भी नहीं है वहाँ।
तो और अच्छा है, कोई हमारे बारे में गांव में बता भी नहीं पाएगा। पता है मैं एक फिल्म में देखा था, अमिताभ बच्चन अपना गांव छोड़ के मुंबई आया था। शुरू शुरू में उसे बहुत परेशानी हुई, बहुत मजदूरी करना पड़ा, पर बाद में वो बहुत अमीर बना। और जब वो वापस अपने गांव गया, सब उसे अपने सिर पे बिठा लिए थे। लेकिन हरिया, अगर हम पकड़े गए तो बाबू साहब बहुत मारेंगे मुझे। अबे यार जग्गिया, तू क्यों इतना डरता है? मैं हूँ ना, ये ट्रक सीधे मुंबई जाएगी और बस वहां से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है, मैं और तू बस। उसे मैंने सुबह हरिया के साथ देखा था काकोसा। हरिया के साथ? ये हरिया कहाँ रहता है? वो उधर। ठीक है बेटा, जाओ तुम खेलो। हमारे पास समय नहीं आया उसे ढूंढने जाने का। ऐसे आवारा कक्के भरोसा कहाँ हो? पर वैसे भी क्यों वहां से आगे बैठी है उससे? एक तो परीक्षा में फेल हुआ, ऊपर से नकली रिपोर्ट कार्ड बनवाई। ऐसे बच्चे को घर में रख के बदनामी मुंह लेनी है? अपने घर वाले के जाने के बाद अपने उस नालायक बेटे को जब से यहाँ लेकर आई है, जीना दुश्वार हो गया मेरा। वैसे ही हरिया के चक्कर में आज देर हो गई है ने, आज तो इनका पैसा भी कट जाएगा उस छोरे के चक्कर में। ये छोरा भी ना खुद तो किसी काम का है ना। जी मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। ये हरिया यहीं रहता? जी वो घर पे है? जी ना, कल रात से उसका कोई पता ना है। मैं सुबह उसे ढूंढ कर आया पर ना मिला कहीं। जी पर क्यों? जी वो मेरा बेटा जग्या, उसका उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। सुबह से मैं उसे ढूंढने निकला तो उसके दोस्तों ने बताया कि उन्होंने उसे हरिया के साथ देखा था। देखिए हरिया कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, क्या करता है, कुछ ना पता रहता है हमारे को। ना तो हमारे पास उसे ढूंढने की फुर्सत है और ना ही ताकत। हम गरीब लोग हैं, अब आज्ञा दीजिए हमारे को काम पर निकलना है। जी देखिए देखिए मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों बच्चे कहीं कहीं एक साथ गए हैं। आप धीरज रखिए, हम दोनों को ढूंढ निकालेंगे। किशोरावस्था में ही बालक के संवेदनशील मानस का सर्वाधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस उम्र में बालक अक्सर राह से भटक जाते हैं।